आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जश्न जन्माष्टमी की धूम शिव की नगरी में जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अनेक लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को घर पर लाकर उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान कराने की परंपरा है। इसके बाद उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र पहनाते समय मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदले जाते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार रोजाना किया जाता है। उनके कान में बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोरपंख भी सुशोभित होता है। माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। नियमित रूप से बाल गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। सिवनी में जलज परिवार के यहाँ लड्डू गोपाल बहुत इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर भी जाते हैं। लड्डू गोपाल अगर कहीं जाते हैं तो उनके साथ परिवार के लोग भी जाते हैं। सुबह शाम लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही भोग में तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य माना गया है। रात होते ही उन्हें बिस्तर पर सुलाने का विधान है। कई लोग उन्हें जब वे सोते हैं तब लोरी भी उन्हें सुनाते हैं लोग। इस तरीके की मान्यता है। सिवनी में जलज परिवार में लड्डू गोपाल विराजे हैं और जलज परिवार के लड्डू गोपाल दूर दूर तक जाते हैं। लोग अपने साथ उन्हें ले जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिवनी के जलज परिवार में लड्डू गोपाल के साथ ही यहाँ पर नृत्य और भजन बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लड्डू गोपाल बहुत ही धूमधाम से, वैसे तो लड्डू गोपाल साल भर यहां से वहां जलज परिवार के लड्डू गोपाल विचरण करते हैं, पर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा श्रृंगार अद्भुत ही होता है। ये देखिए बाल स्वरूप में किस तरह यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिवनी शिव की नगरी मानी जाती है और शिव की नगरी में लड्डू गोपाल यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने श्रद्धालु यहाँ दिख रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, अधेड़, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोग वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट वीडियो और बड़े वीडियोज भी आपको बनाते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। भगवान शिव की नगरी में इस तरीके का उत्सव वैसे तो साल भर चलता है। गंगा जमुनी तहजीब को बहुत उम्दा तरीके से सिवनी में पोषण उसका किया गया है। हर धर्म वर्ग संप्रदाय इसके यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर दुर्गा चौक में स्थित है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ होता है। देखिए नृत्य कर रहे हैं एक छोटे से बाल गोपाल, नृत्य आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। बहुत ही वास्तव में बहुत नयनाभिराम दृश्य दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इन्हें माला भी पहनाई जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जलज परिवार के लड्डू गोपाल पूरे देश में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग आते हैं और लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। लड्डू गोपाल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो हम आपको फिर किसी खबर में बताएंगे। अब हम आपको लड्डू गोपाल के साथ नृत्य और गायन किस तरह का हुआ, भजन किस तरह के हुए सुनाते हैं। मेरे प्यारे
जिंदगी भर ध्यान। मेरा कहने का मतलब है भजन में पूरा ध्यान लगा, बाकी चीज तो बाद में होती रहती है। बोले बाकी बिहारी लाल की पूरा नहीं मानना है, मजाक कर रही थी। आज कान्हा को लड्डू गोपाल के भजन अभी आपने सुने, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर लड्डू गोपाल विराजित हैं और महिलाएं पुरुष सभी यहाँ पर आप देखिए कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। धार्मिक परंपरा, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत जलज परिवार के लड्डू गोपाल और उन लड्डू गोपाल के साथ यहाँ भजनों की सुंदर प्रस्तुति दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये छोटी सी बालिका सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। खचाखच भरा पंडाल, जलज परिवार के यहाँ लड्डू गोपाल विराजे हैं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा यहाँ पर की जा रही है। वैसे तो जलज परिवार के ये लड्डू गोपाल देश भर में हर जगह जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।